नेक्स्ट सम्स 2017 ऑनर्स 2017 में दो सम्स आए, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट इसके बाद करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है, 12% प्रेफरेंस शेयर्स, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, 100 रुपया ईच करके इशूड एट अ प्रीमियम। देखिए जब इसको मार्केट में बेचा जा रहा है तो 10% प्रीमियम में बेचा जा रहा है, मतलब एक पीस का दाम अगर 100 रुपया है तो मार्केट में पब्लिक को 110 रुपया के बेचा जा रहा है, इशू प्राइस है, मतलब बेचा जा रहा है 110 करके। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब बेचने में 5% खर्चा हो रहा है, किस पे, इशू प्राइस पे, ध्यान दीजिएगा सब, इसे लिख कर 5% ऑन फेस वैल्यू नहीं है, इशू प्राइस है, बताएंगे। रिडीमेबल आफ्टर 5 साल बाद पैसा वापस होगा, 20% प्रीमियम लगे जब पब्लिक को पैसा वापस करेंगे 5 साल बाद। तो 100 रुपए वाला जो नॉर्मल डिवेंचर था, 100 रुपए वाला जो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर था उसको हम 120 रुपए की पब्लिक को वापस करेंगे। टैक्स दो है, 30% नॉर्मल टैक्स है और ये डिविडेंड टैक्स है 10%, ठीक है। इसका बोला है आपको रेट निकालने, हम फिर वही बोलेंगे कि प्रेफरेंस शेयर दो तरह का होता है, एक इररिडीमेबल और एक होता है रिडीमेबल। तो यहाँ तो कन्फर्म होते कि ये क्या है, रिडीमेबल है ना भाई, रिडीमेबल है। तो अब रिडीमेबल का फॉर्मूला हम एक तरफ लिखते हैं फिर एक तरफ डेटा लिखेंगे। जैसे कि देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छा से, फॉर्मूला क्या है, पी डी प्लस आर वी माइनस एस वी बाय एन बाय आर वी प्लस एस वी बाय टू, फॉर्मूला तो यही है ना। अब आपको एक एक करके सब चीज फाइंड आउट करना हो, पहले क्या दिख रहा है आपको पीडी, पीडी का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो ये चीज हमेशा याद रखना, डिविडेंड जो दिया जाता है फेस वैल्यू पे दिया जाता है। तो और हम लोग सम्स करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल में एक एक पीस लेके करते हैं, है ना। तो एक पीस का प्रेफरेंस का दाम कितना है, देखिए 100 रुपया है ना, तो डिविडेंड कितना देगा 12%। तो इधर देखिएगा ये रहा प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, 100 रुपया का 12% कितना होता है 12 रुपया। लेकिन आप भूलिए मत कि कंपनी क्या बोला है कि जब डिविडेंड पे करेगा तो उसमें टैक्स भी भरना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है ना, कितना परसेंट 10%। तो इसमें 12 रुपए में डिविडेंड टैक्स ऐड करेंगे, 12 रुपया का 10%, क्योंकि हम डिविडेंड बाद में पे करेगा। आप मेरे शेयर होल्डर हो और हम कंपनी चला रहे हैं तो हम आपको हर शेयर पे 12 रुपए डिविडेंड देंगे और प्लस उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। तो 12 रुपया का 10% कितना होता है 1.20 रुपया, तो कितना हो गया 13.20। तो मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो गया 13.20। अब क्या चाहिए सर आपको, आरबी, आरबी का मतलब क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू का मतलब हम आपको कितना पैसा वापस करेंगे, हम आपको कितना पैसा वापस करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिडीमेबल आफ्टर 5 साल, हम आपको 5 साल बाद पैसा वापस करेंगे 20% प्रीमियम, मतलब 20% आपको ज्यादा देंगे। तो एक शेयर का दाम 100 रुपया है तो 100 रुपया 20% ऐड कर दीजिए, ₹120। अब क्या चाहिए आपको, एस बी, एस बी का मतलब इशू प्राइस। जब आप मेरे पास आए थे तो आप इनसे जब खरीदने आए थे तो हम आपको कितना के बेचा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इशू डेट 10% पे, हम आपको 10% ज्यादा के बेचा है। देखिए ध्यान से, 100 रुपये में चीज पे 10% ऐड करेंगे तो हो गया 110 रुपया। लेकिन फिर भूलिए मत, मेरा बेचने में आपको, हम जब ये शेयर बेचा तो उसमें मेरा 5% खर्च हो गया। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट 110 का। सर आप 110 का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोले, इशू प्राइस करें, तो यही आपके मेरे लिए इशू प्राइस 110 ही था, क्योंकि आपको 110 करके बेच ही देते तो उससे मेरा 5% फ्लोटेशन कॉस्ट। लेकिन अगर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ बोलता 5% फ्लोटेशन कॉस्ट, तब हम लोग लेते एक्चुअल 100 रुपया वाला दाम पे। लेकिन यहाँ पर बोले इशू प्राइस पे ले रहे तो 110 का 5%, तो 110 का 5.5 माइनस कर दो, तो 110 माइनस 5.5 तो 104.5, ये क्या आया आपका इशू प्राइस है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया वाला जो शेयर था हम आपको बेच रहे थे 110 करके, लेकिन फिर उसमें मेरा 5% खर्च हो गया,
5.5 रुपया, तो हम आपको बेच रहे 104.50 रुपया रखिए। सब पता चल गया, अब लोग फॉर्मूला फूट करेंगे। देखिए पीडी, पीडी का मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आया था 13.20। आरबी रिडीमेबल वैल्यू कितना है 120। एसपी मतलब क्या होता है, इशू प्राइस 104.5। एन का मतलब कितने दिन बाद पैसा वापस करेंगे, तो लिख ही चुके 5 साल बाद। सॉल्व कर दीजिए 120 माइनस 104.5 डिवाइडेड बाय 5, तो 3.1 प्लस 13.20, तो ऊपर में आ रहा है 16.3। और यहाँ पर 120 प्लस 104.5 डिवाइडेड बाय 2 112.25 × 100, तो 16.3 × 100 / 112.25, तो 14.52%। तो ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर्स का रेट 14.,  5 मास का सम्स था, ठीक है 14.52%। इसको कॉपी कर लीजिए, हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। का दो सम बोले थे, आता है दो आया था, तो एक हम करते हैं दूसरे देखें। क्वेश्चन ऑलरेडी लिख चुके, थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स 10 लाख शेयर है कंपनी के पास, 10 लाख शेयर्स है और वैल्यू बता रहा है 100 लाख, 10 लाख शेयर इंटू 10 करके 100 लाख रुपए हो गया। रिटेन अर्निंग 130 लाख, 14% डिबेंचर 70 लाख, 16% टर्म लोन 100 लाख। अब बात है, क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले एक बात समझ में आ गई है कि हम लोग को वेटेड एवरेज निकालना है, ठीक है वेटेड एवरेज निकाल लेंगे वेटेड एवरेज, बट प्रॉब्लम ये कि पहले देखते क्या है सोर्स। देखिए इसमें क्या सोर्सेस है, चार है, नंबर वन इक्विटी, नंबर टू रिटेन अर्निंग, नंबर थ्री डिबेंचर, नंबर फोर लोन। ओके नाउ हम लोग वेटेड एवरेज निकालने के लिए सबका रेट जानना जरूरी है, तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे। देखिए इक्विटी शेयर्स का रेट, इक्विटी शेयर्स पे दो मॉडल लगता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, ग्रोथ रेट दिया, मतलब समझ में आ गया इक्विटी शेयर हम लोग को डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से करना पड़ेगा। रिटेन अर्निंग का क्या समझाया था कि जो इक्विटी का रेट होता है वही रिटेन अर्निंग का रेट होता है, तो जो इक्विटी का रेट निकलेगा वो रिटेन अर्निंग का भी रेट होगा। आगे बढ़ते डिबेंचर, डिबेंचर यहाँ पर आने बोला है कि 6 साल बाद रिडीम होगा, तो डिबेंचर दो तरह का होता है, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल, इररिडीमेबल एंड रिडीमेबल। डिबेंचर का कंफर्म क्या है, रिडीमेबल। नेक्स्ट क्या है लोन, लोन का कोई बात नहीं, बस ऑनली रेट दिया हुआ 16%। लोन जो भी लोन या डिबेंचर होता है तो इन लोग का आफ्टर टैक्स निकालना पड़ता है, ये तो पता है ना आप लोगों को, डिबेंचर्स का तो आफ्टर टैक्स निकालना ही पड़ेगा, तो लोन भी कोई भी लोन भी रहेगा तो उसका भी आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम बाद में सोचेंगे कि सम्स कैसे करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सम्स करेंगे। देखिए सबसे पहले इक्विटी का रेट निकालेंगे, इक्विटी शेयर्स कौन सा मॉडल लगेगा, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, D1/P0+G। D1 का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर, मतलब हर शेयर पे कितना कंपनी डिविडेंड पे करेगा दिया हुआ है 2 रुपया। P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, आज का डेट पे, आज का डेट पे कंपनी का इक्विटी शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 25 रुपया। ग्रोथ रेट कितना है 8%, 0.08, 2 / 25, 0.08 + 0.08, तो 16%। आ गया 16% किसका रेट आया, इक्विटी शेयर्स का, तो रिटेन अर्निंग का भी रेट तो वही होगा। लेट इट नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिवेंचर्स पे। देखिए आप अगर देखिए यहाँ पर डिवेंचर्स जो है कौन सा है, रिडीमेबल है, तो बाबू रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या है, देखिए I प्लस
आर बी माइनस एस बी बाई एन आर बी प्लस एस बी बाई टू है ना। टेंशन लेने का बात नहीं है, अब तुम बोलो ऐसा सबको पता है, सब निकाल ले देखेंगे। आई का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट, कंपनी इंटरेस्ट इस पे देता है फेस वैल्यू पे, तो हम लोग तो अज्यूम कर लेते हैं कि डिबेंचर का दाम कितना है, 100 रुपया, हम लोग 100 रुपया अज्यूम करते हैं कि डिबेंचर कुछ बोल रहे हैं 70 लाख रुपए का डिबेंचर, लेकिन हम लोग अज्यूम 100 रुपया करेंगे, तो एक पीस का दाम 100 रुपया, तो 100 रुपया डिबेंचर में इंटरेस्ट कितना पे होगा, 14% 14 रुपए इंटरेस्ट आ गया। आप क्या चाहिए आपको, आरबी का मतलब क्या होता है, रिडीमेबल वैल्यू, मतलब इसको वापस कितना किया जाएगा, 100 रुपया का अगर डिवेंचर है तो वापस कितना, लिखा हुआ है डिवेंचर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद एट रुपीज 90, मतलब 90 रुपया के आपको वापस किया जाएगा, तो आरबी कितना हो गया 90, मतलब आपको 6 साल बाद 90 रुपए वापस करेंगे। अब चाहिए आपको एसबी, एसबी का अगर इशू प्राइस डिग्री कितना निकालिए, क्वेश्चन कुछ बोल ले रहा है तो नॉर्मल डिबेंचर दाम कितना है 100 रुपये, तो हम आपको 100 रुपये दे बेचे एसबी, क्वेश्चन तो बोला नहीं ना कि हम आपको अभी कितना के बेच रहे हैं, तो डिबेंचर का दाम अभी कितना है 100 रुपये, तो अगर आप हमसे खरीदने आइए तो आप 100 रुपये लेंगे ठीक है, लेकिन जब आपको 6 साल का पैसा वापस करेंगे तो हर पीस का 90 रुपये वापस करेंगे ठीक है। फॉर्मूला पुट करेंगे, आई कितना है 14, आर बी 90 माइनस 100 बाय 6 ईयर, आर बी 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, तो देखिए ध्यान से 90 माइनस 100 यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, ध्यान रखिएगा 90 माइनस 100 हो गया माइनस 10, तो 10 डिवाइड बाय 6 हो गया आपका 1.67, 1.14 माइनस 1.67, तो 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 95, तो 14 माइनस 1.67 12.33 डिवाइडेड बाय 95 इनटू 100, तो आपका रेट आ रहा है 12.98 ले लेते हैं 12.98%। ओके लेकिन हम लोग तो डिबेंचर का रेट निकाला है, तो ये जो रेट आया है तो बिफोर आया, हम लोग क्या चीज कन्वर्ट करना पड़ेगा आफ्टर में, के डी 1 माइनस टी इंटू के आए 1 माइनस टैक्स कितना है 50%, 12.98 6.49, तो इसका मतलब डिबेंचर का रेट कितना आया 6.49% रेट आ गया। यहां पर ध्यान रहे योजनी फॉर्मूला प्लस था, लेकिन यहां पर आके माइनस क्यों हुआ, क्योंकि 90 माइनस 100 क्या होता है माइनस 10 हो जाता है, इसलिए फिर प्लस माइनस यहां पर माइनस हुआ है, तो इसे ध्यान रहे कैलकुलेशन सही से आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग अपने से भी कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। तो ये रहा डिबेंचर का रेट, अब हम लोग किसका रेट निकालेंगे लोन का, लोन का कोई टेंशन नहीं है नॉर्मली निकल जाएगा, तो देखिए ऑलरेडी रेट दिया हुआ लोन का कितना है 16%, लेकिन लोन डिबेंचर सब बिफोर होता है, सबको कन्वर्ट करना पड़ता है आफ्टर में, तो बस 16% को आफ्टर में कन्वर्ट करेंगे। था देखिए टर्म लोन के डी 1 माइनस टी इंटू के आई 8%, तो तीनों का रेट आ गया 8%, 6.49%, 16%, सबका रेट आ गया। जब सबका रेट आ गया हम लोग क्या निकालना है WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉपी इसको अच्छा से कर लीजिए पूरा, फिर हम अभी वेटेड एवरेज पूरा सम्स करेंगे, अच्छा से कॉपी कर लीजिए।
अब हम लोग को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना तो है, लेकिन पता है आपने एक चेंजेस डाली है, बोला है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू एज वेट। अब प्रॉब्लम हुई है, यूजिंग मार्केट वैल्यू बोल दिया है तो हम तो मार्केट वैल्यू सब कराया ना, तो आप लोग अगर देखेंगे तो 2019 में सेम समाया यूजिंग मार्केट वैल्यू, लेकिन वहां पर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों अलग अलग निकाल के दिया गया था आपको, तो आप फट से कूट किए सब कर लिए, लेकिन यहाँ पर तो हमको मार्केट वैल्यू पता नहीं है, अब इस सब को हमको मार्केट वैल्यू भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा, इसीलिए हम ये सब करवाए। ध्यान से देखिएगा अच्छे से सब उसको, देखिए ये रहा सोर्सेस WT, KT, WT, देखिएगा सोर्सेस है ना, तो सोर्सेस सबसे पहले क्या है, इक्विटी शेयर्स अमेरिका, एक बात आप दिमाग में डाल लीजिए, जिस सम में अगर आपको बोले यूजिंग मार्केट वैल्यू तो वहां पर रिटेन अर्निंग हरियाणा रिजर्व सरप्लस हरियाणा, आप अगर नोटिस कीजिए 2019 में बोले जो सम्स के 2019 ऑनर्स में, तो उसमें रिटेन अर्निंग का वो लोग वैल्यू दिया ही नहीं था मार्केट वैल्यू का, क्योंकि जानता है कि मार्केट वैल्यू जहां पर सम आ जाएगा यूजिंग मार्केट वैल्यू बोलेगा तो वो लोग रिटेन अर्निंग रिजर्व सरप्लस को नहीं लिया जाता है, तो इसीलिए इस समय भी हम लोग रिजर्व सरप्लस रिटेन अर्निंग को नहीं देंगे, क्योंकि ये लोग बोला है मार्केट वैल्यू, अगर बुक वैल्यू बोल देता तो लोग जस्ट नॉर्मल जैसे करते वैसे भी करते आते, तो इसीलिए जहां पर यूजिंग मार्केट वैल्यू बोलेगा वहां पर रिजर्व सरप्लस या रिटेन अर्निंग नहीं लेंगे। देखिए यानी का इक्विटी शेयर्स आपने क्या डिवेंचर 40% डिवेंचर, फिर और क्या बचा 16% टर्म लोन, सबसे बड़ा टेंशन तो डब वेट लिखना होगा ना मार्केट वैल्यू, क्योंकि ये लोग क्या बोले हैं ये अपना वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप, आपको लिखना है मार्केट वैल्यू, टेंशन लेने वाला नहीं। देखिए ये रहा इक्विटी शेयर्स, बताइए कितना शेयर होल्डर है 10 लाख शेयर है, और अगर आप याद कीजिएगा इक्विटी शेयर्स का आज का डेट पे मार्केट वैल्यू कितना है 25 रुपया, तो देखिए इधर पर 10 लाख शेयर होल्डर इंटू 25 रुपीज, नॉर्मली अगर बुक वैल्यू का बात करें तो एक शेयर का दाम 10 रुपया होता है, तो हम यहाँ लिखते सिर्फ 100 लाख लिखते, लेकिन यहाँ पर मार्केट वैल्यू बोला है तो एक शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है 25 रुपया, कितना शेयर होल्डर है 10 लाख, तो 10 लाख इंटू 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 करोड़ हो जाएगा शेयर, 2 करोड़ 50 लाख, 10 लाख 10 लाख इंटू 25 तो 1 10 100 करोड़, 2 करोड़ 50 लाख, दो करोड़ 50 लाख, लेकिन अगर बुक वैल्यू बोलता तो हम फट से 100 लाख लिख देते, 1 करोड़ लिख देते, लेकिन यहाँ पर मार्केट वैल्यू कितना शेयर का 25 रुपये मल्टीप्लाई कर दिया। सेम वे डिवेंचर बताइए, यहाँ पर डिवेंचर कितना है 70 लाख रुपया है ना, वो बुक वैल्यू, लेकिन इसका भी आज मार्केट वैल्यू में याद कीजिए कितना है 90 रुपीज, मतलब अभी इसको अगर वापस 90 रुपीज फिर इसको वापस किया जाएगा डिवेंचर का, मतलब मार्केट में अगर इसको बेचेंगे 6 साल बाद तो हम इसको 90 रुपये बेचेंगे, मतलब वापस करेंगे, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना है 90 रुपीज, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 70 लाख है, 70 लाख मतलब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 70 लाख नॉर्मली एक डिवेंचर दाम कितना होता है 100 रुपये, तो डिवाइडेड बाय 100 किया तो पता चला नंबर ऑफ शेयर 70,000 है, तो 70,000 इंटू मार्केट वैल्यू क्या रहने चल रहा है 90 रुपया, 70,000 इंटू 90 तो हो जाएगा आपका 63 लाख। फिर से बताते हैं डिवेंचर कितना है 70 लाख, हमको पता करना है कितना नंबर ऑफ डिवेंचर है, 70 लाख डिवाइडेड बाय एक डिवेंचर को नॉर्मली हम क्या पकड़ते हैं 100 रुपया, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितना हुआ 70,000, मार्केट वैल्यू कितना है डिवेंचर का 90 रुपया, 70,000 इंटू 90 क्या आ गया। टर्म लोन, लोन के बारे में कुछ बोला नहीं, वही कॉपी कर दो 100 लाख और 1 करोड़, अब रेट लिख दीजिए सबका
इक्विटी शेयर का रेट कितना था 16%, डिबेंचर का रेट 6.49% और इसका 8%। तो 60% 40 लाख, फिर 63 लाख इनटू 6.49% 408870, वन करोड़ इनटू 8% 8 लाख। ऐड कर दीजिए 2 करोड़, 2 और 1 3 3 साढ़े तीन करोड़ प्लस 63 लाख 44 करोड़ 30 लाख। प्लस 8 लाख 4 0 8 8 7 0 52,08,870। WACC sigma WT KT by WT into 100। तो WT KT कितना है 52,08,870। तो सम बहुत ट्रिकी था, सबका रेट निकाला प्लस इसमें क्या बोल दिया कि आपको सबको मार्केट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो इक्विटी शेयर्स लिखा, हम लिखते 100 ही लाख मतलब 1 करोड़ लिखते, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, ये लोग बोला मार्केट वैल्यू, तो क्या किया 10 लाख शेयर होल्डर था उसको आज के डेट का शेयर से वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया 25,000 पर कन्वर्ट हो गया। डिबेंचर्स का वैल्यू 100 था तो यहाँ पर कितना 70 लाख का डिवाइड बाय 100 किया तो पता चला 70,000 शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर है। 70,000 इंटू मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया आ गया। तब हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला और हम लोग बता दिए मार्केट वैल्यू जहाँ समा जाएगा रिटेल अर्निंग हटा दिया जाता है, बाकी जैसे रेट तो पता था सबका रेट पुट किया मल्टीप्लाई किया बाकी नॉर्मल सम है। मेन ये समझना था कि मार्केट वैल्यू में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो अच्छे से कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फिर नेक्स्ट अपलोड करेंगे 2016। नेक्स्ट 2016 ऑनर्स का सम क्वेश्चन बहुत छोटा है, 2 आया था। तो पहला सम देखिए एक लिखा हुआ ऑलरेडी दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस पर शेयर, एक शेयर का मार्केट प्राइस 300 रुपया 2015 बता रहा है, मतलब 2015 में मार्केट में एक शेयर का दाम 300 रुपया है और उसका फेस वैल्यू 100 रुपीज है। डिविडेंड पे मतलब कंपनी 2014 में डिविडेंड कितना पे किया था 30 रुपया। देखिए नॉर्मली हम लोग जब सम्स करते हैं तो हम लोग डिविडेंड पर शेयर बोलते हैं, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं दिया हुआ, पहले का डिविडेंड दिया हुआ है, मतलब 2014 में डिविडेंड 30 रुपया पे करता था तो अगले साल कितना पे करेगा वो नहीं पता आपको, और ग्रोथ रेट बता रहा 4%। तो सिर्फ यहाँ पर बोला है कि इक्विटी शेयर्स का रेट निकालिए, तो इक्विटी शेयर्स का जब रेट निकालेंगे तो वही बात आता था, 2 मॉडल डिविडेंड ग्रोथ मॉडल अर्निंग ग्रोथ मॉडल, तो यहाँ पर कौन सा मॉडल लगेगा डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। प्रॉब्लम क्या है देखिए, अगर हम लोग रेट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या है D1 by P0 plus G, तो D1 का मतलब क्या होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, मतलब एक साल बाद कंपनी कितना डिविडेंड पे करेगा। तो यहाँ तो प्रॉब्लम क्या है कि पिछले साल का डिविडेंड दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम उसको निकाल लेते हैं। अच्छा सर आप D0 क्यों लिखे, क्योंकि पिछले साल का हम लोग को फॉर्मूले में क्या चाहिए D1 का मतलब अगले साल का डिविडेंड देगा, तो पिछले साल कितना डिविडेंड दे रहा था 30 रुपया। तो सिंपल सा बात है, पिछला साल अगर डिविडेंड 30 रुपया दे रहा था तो अगले साल 4% बढ़ाकर देगा, कंपनी का ग्रोथ होता है हर साल 4% तो डिविडेंड भी 4% बढ़ाकर देगा। तो देखिए नया डिविडेंड क्या हो जाएगा 30 रुपया तो मिलेगा, 30 रुपया का 4% बढ़ गए तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने से 31.5
तो मतलब अगले साल कंपनी मतलब 2015 में एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है 31.20। P0 का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दिया हुआ है 300 रुपये। प्लस ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कितना है 4% मतलब 0.04। तो 31.20 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 0.04 तो 0.144 किंतु हमने करेंगे तो 14. तो इक्विटी का रेट कितना आया 14.4%। सम बहुत इजी आया था, सिंपली सिर्फ एक जगह ट्रिक कर दिया कि डिविडेंड आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर नहीं दिया, वो पिछला साल का डिविडेंड दिया। तो कोई बात नहीं, डिविडेंड को तुम कन्वर्ट कर लिया तो जितना कंपनी ग्रोथ है उतना ही अगला साल डिविडेंड बढ़ा कर देगा। तो पिछले साल डिविडेंड कितना पे किया था 30 रुपया, तो अगले साल 4% बढ़ा कर देगा। देखिए निकाला, पुट किया, सम हो गया। कॉपी कीजिए इसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। आपको वेटेड एवरेज निकालने को ऐसा देख के लगता होगा कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर दिया हुआ तो सर वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। नहीं, इसमें से बोला है तीनों सोर्स का रेट निकाल के छोड़ दे, तो तीनों सोर्स का रेट निकालना है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर तीन सोर्स है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर। तो एक एक करके करते हैं हम। चलिए पहले आ जाते हैं डिबेंचर पे। अच्छा क्वेश्चन एक बार रीड आउट कर देते हैं। इक्विटी शेयर्स 5,000 शेयर 100 रुपये, 5,000 मेरे कंपनी के पास 5,000 इक्विटी शेयर है 5,000 रुपये का, 10% प्रेफरेंस शेयर है 2,000 शेयर 100 रुपये करके 2,00,000, 12% डिबेंचर 3,00,000, बाकी ये सब डेटा दिया हुआ वो आपको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात आता है कि तीन सोर्स से तीनों का रेट निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप पहले लोग डिबेंचर पकड़ते हैं। अच्छा बताइए डिबेंचर कई तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक होता है इररिडीमेबल और एक होता है रिडीमेबल। तो यहाँ पर डिबेंचर के बारे में कुछ भी डेटा नहीं बता रहा है, तो इसका मतलब है कि डिबेंचर को हम इररिडीमेबल पकड़ेंगे। क्या पकड़ेंगे? इररिडीमेबल। तो देखिए हम यहां लिख के कर रहे हैं इररिडीमेबल डिबेंचर, ठीक है। हम लोग क्या सिखाते हुए आ रहे हैं कि डिबेंचर्स का फेस वैल्यू 100 रुपये पकड़ा जाता है ना। अब ऐसे दो फॉर्मूला है, एक इररिडीमेबल का अलग है, रिडीमेबल का अलग है। वैसे यहां तो डिबेंचर क्या है, इररिडीमेबल है। तो इररिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होगा देखिए, यही है आई बाय एसपी इंटू 100। अब बोलोगे तुम आई क्या होता है सर, आई का मतलब इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, फेस वैल्यू पे। तो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू, डिबेंचर के बारे में कुछ बताया कुछ नहीं बताया, तो हम लोग फेस वैल्यू का पकड़ेंगे 100 रुपये। 100 रुपये इंटू कितना परसेंट, 12% है। तो 100 रुपये का 12% कितना होता है, 12 रुपये। तो यहाँ लिखा 12 डिवाइडेड बाय एसवी। एसवी का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस। मतलब डिबेंचर को आज का डेट पे, डिबेंचर को आज का डेट पे पब्लिक को कितना की बेचा रहा है, कुछ बोल नहीं रहे। तो हम अज्यूम क्या कह रहे हैं, डिबेंचर दाम कितना है 100 रुपये। तो अज्यूम करेंगे कि भी पब्लिक को 100 रुपये करके डिबेंचर बेचा जाएगा। 100 रुपये आंसर क्या है, 12%। लेके डिबेंचर में दो कैटेगरी होता है, दो पार्ट होता है, लेकिन फिर एक बार निकालने के बाद क्या होता है, बिफोर आता है आफ्टर होता है। तो हम लोग तो भी बिफोर आया, हम लोग को आफ्टर निकालना होगा। यहां देखिए टैक्स रेट 30%, तो 0.30 तो कितना हो जाएगा, 8.4%। तो डिबेंचर का रेट कितना आया, 8.4%। पहला आंसर भी आया है, क्योंकि आपको इसमें क्या बोला, वेटेड एवरेज नहीं निकालना है, आपको बोला है कि तीनों सोर्सेस का रेट निकालना है। तो तीनों सोर्सेस में हम लोग पहला सोर्स डिबेंचर का रेट निकाल दिया 8.4%, ये आपका पहला आंसर है। अब हम लोग दूसरे शिफ्ट में जाएंगे, कॉपी कीजिए इसको, कॉपी करने का हम ये रब कर देंगे। इसके बाद हम सेकंड सोर्सेस पे जाएंगे।
अब हम लोग आते हैं डिवेंचर्स तो हो गया, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब बात आता है सर, इक्विटी शेयर्स का दो मॉडल है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, है ना। तो अब यहाँ पर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ पर डिविडेंड पर शेयर नहीं दिया हुआ है, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया। अब यहाँ पर क्या लगेगा सर, अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल के लिए आपको क्या चाहिए, अर्निंग पर शेयर। यहाँ पर अर्निंग पर शेयर नहीं पता है, यहाँ पर अर्निंग पर शेयर निकाला। याद कीजिए एक चैप्टर लिवरेज, लिवरेज में हम लोग निकालते थे अर्निंग पर शेयर, तो देखिए वो वाला लॉजिक लगेगा। यहां से देखिएगा सर, देखिए यहां पर कुछ लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या लिखा हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप लोगों को बताया था, सब कराए हम आप लोगों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ईबीआईटी 2,19,000। ईबीआईटी से क्या माइनस होता है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब किस पे देंगे, लोन पे। देखिए यहां पर डिवेंचर तो 3,00,000 का 12%, -36,000 ये क्या आया ईबीटी, ईबीआईटी से इंटरेस्ट माइनस किया तो क्या निकला ईबीटी। क्वेश्चन देखिए हम कहां से लिंक करेंगे, ईबीटी से हम क्या ले सकते हैं, टैक्स, टैक्स कितना बोला है 30%, तो 2,54,000 का 30% 76,200। कैलकुलेशन आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 2,54,000 का 30% 76,200 माइनस करेंगे, इसके बाद क्या ले सकते हैं, याद है आप लोगों, प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना, प्रेफरेंस डिविडेंड। बताइए कितना है प्रेफरेंस, 10% है 2,00,000 रुपया, तो 2,00,000 का 10%, 2,00,000 का 10% कितना होता है 20,000। भूलिए मत इस सब एक प्रॉब्लम है, डिविडेंड टैक्स भी है, तो डिविडेंड मतलब जितना डिविडेंड पे कीजिए उतना टैक्स देना पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड दिया है तो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड पे टैक्स भी देना पड़ेगा, कितना परसेंट 10%, कितना डिविडेंड दिया है 20,000, तो फिर माइनस डिविडेंड टैक्स, तो डिविडेंड टैक्स मतलब 20,000 का 10% 2,000 लेस कीजिए, 1,77,800 माइनस 20,000, 1,77,800 माइनस 22,000, तो 1,55,800, 1,55,800, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, EAES, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। आगे अर्निंग अवेलेबल EAES निकालने का वजह क्या है, देखिए EPS निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, EAES by number of equity shares, so 1,55,800 divided by, मतलब EPS निकालने के लिए आपको चाहिए था EAES, तो EAES नहीं दिया हुआ था। EAES का मतलब earning available to equity shareholder, वो हम लोग operating profit वाला से EAES निकाल लिया, हम लोग divided by क्या करना है, number of equity shares, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 5,000, तो 1,55,800 डिवाइडेड बाय 5,000, तो आपका 31.16, ये जो आया 31.16, ये आपका आया ईपीएस, क्या आया ईपीएस। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, अब हम लोगों को
इक्विटी शेयर का रेट निकालना है तो इक्विटी शेयर का के फॉर मॉडल होता है दो, एक होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एक होता है अर्निंग ग्रोथ मॉडल। तो यहाँ तो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल लगेगा नहीं, अर्निंग ग्रोथ मॉडल लगेगा। तो अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस बाय एमपीएस, EPS by MPS, MPS पता था हमको, सिर्फ चाहिए था EPS, वो EPS निकल गया। अब देखिए, तो cost of equity EPS by MPS plus G, तो EPS कितना है 31.16 by MPS, MPS कितना है 250 रुपया, 250 प्लस ग्रोथ कितना है, ग्रोथ अच्छा क्वेश्चन में ग्रोथ के बारे में नहीं बताया तो छोड़ देंगे, ठीक है, क्वेश्चन में ग्रोथ नहीं बोला है, ठीक है, तो इसको नॉर्मली लिख 31.16 डिवाइडेड बाय 250 तो आ रहा है 0.02464, इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 12.46%। ये किसका रेट आया, इक्विटी शेयर का रेट आया, कैसे आया, अर्निंग ग्रोथ मॉडल लगा के। अर्निंग ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला क्या है, EPS by MPS, हमको EPS पता था, सिर्फ चाहिए था EPS, EPS कैसे निकला ये आपके सामने देख लीजिए, ये EPS निकालने का तरीका, निकल गया। अभी इक्विटी का रेट आया, एक और बात की, तीन सोर्सेस है, डिवेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। डिवेंचर आ गया, इक्विटी शेयर आ गया, हम किसका निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर का, इसको कॉपी कीजिए, इसको रब कर देंगे, फिर हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंशियल दो तरह का होता है, इररिडीमेबल, रिडीमेबल। प्रॉब्लम क्या है, प्रेफरेंशियल के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे तो हम सब क्या पकड़ेंगे, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल। तो देखिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल, इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे, यही फॉर्मूला है, पीडी बाय एसी, सर वो लगे क्या, पीडी प्लस आरबी, वो लगता है रिडीमेबल नहीं, ये क्या है, इररिडीमेबल। अब तुम बोलोगे सर ना पीडी पता है ना एसी पता है, सब निकालते एक एक करके। देखिए, पीडी का मतलब क्या होता है, डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड। यहाँ पर जब हम लोग करते थे एक एक पीस पे ना, तो पूरा भी निकाल एक पीस पे, तो अज्यूम कीजिए प्रेफरेंस शेयर्स का एक पीस का दाम कितना है, 100 रुपया, 100 रुपया का कितना परसेंट डिविडेंड, 10%, 100 रुपया का 10% कितना हो जाएगा, फिर से बता रहे फॉर्मूला में क्या है, पीडी, पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड। तो यहां पर एक एक पीस पे करते हैं, एक पीस का शेयर से दाम कितना, 100 रुपया, 100 रुपया का 10% कितना आया, 100 रुपया का 10% आपका 10 रुपया आया। लेकिन फिर वही बात, जहां डिविडेंड अगर दे रहे हैं तो अगर क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो टैक्स भी जोड़ना पड़ेगा आपको, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो 10 रुपया डिविडेंड में करेगा, एक डिविडेंड कितना देगा 10 रुपया, तो 10 रुपया में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 10%, 10 रुपया का 10% कितना होता है 1 रुपया, तो मतलब टोटल प्रेफरेंस रेट कितना आया भाई, 10+1, डिविडेंड 10 रुपया पे कर रहे थे प्लस 1 रुपया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कितना हो गया 10 और 1 11 रुपये, डिवाइडेड बाय एसबी का मतलब इशू प्राइस, प्रेफरेंस शेयर। देख, अगर कुछ नहीं दिया रहता तो हम पकड़ते 100 रुपया, शेयर का दाम 100 रुपया, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफरेंस शेयर 125 रुपया, नहीं लिखा रहता तो हम लोग 100 रुपये पकड़ते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस एक प्रेफरेंस शेयर का बताया 125 पे है, ×100 8.8%, तो मतलब हम लोग तीनों सोर्स का रेट निकाल लिया। तो तीनों में आपको वेटेड एवरेज करके नहीं बोला था, सिर्फ बोला था तीनों का रेट निकाल के बताइए, डिवेंचर का निकाला, इक्विटी शेयर का निकाला, फिर हम निकाले प्रेफरेंस शेयर का रेट निकाल लिए। यहां तक हम लोग कंप्लीट हो गया।
2016 कंप्लीट, 2015 में नहीं आया था, 2014 और 2013 और दो ईयर करेंगे पूरा। हम तो 2013 से पहले बोलते हैं कभी नहीं करने, और ऑलरेडी कराया हम आप लोगों को 2013 से पहले भी सब कराया है। जो आप लोग अगर नॉर्मल क्वेश्चन देखेंगे तो 2009 10 11 सब करा चुके हैं। तो इस तरह से क्या हम लोग काफी 10-15 सब पेपर सॉल्व हो गए इस तरीके से। तो अब हम लोग सिर्फ और एक क्लास और देंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल खत्म हो गया, अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे इसको। तो 2014 और 2013 दो साल बाकी है, वो अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। काफी लंबा वीडियो बन चुका है, मतलब दो क्लास आप लोगों को ज्यादा दे दिया है, पूरा कंप्लीट कर लीजिए अच्छा से, फिर हम आप लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगले क्लास में कंप्लीट करके न्यू चैप्टर पे हाथ देंगे। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में दो सब्स के साथ फिर मिलेंगे।